तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैं 3 बार खाली नहीं थी दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग के बीच में वीडियो नहीं बना पाई। समय नहीं मिलता। मैं आप लोग को बताई थी क्या दिक्कत है। थोड़ा उधर चलो, उधर चलो। क्या हुआ? तो दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा है। देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या हुआ बेटा? ले ले। तो दोस्तों उस समय तबीयत थोड़ा सही नहीं था, लेकिन अब थोड़ा आराम है। आप लोग की दुआ से हम बहुत सही हैं अब। लेकिन जो टेंशन है दोस्तों, जानते हैं ना, जब टेंशन हो जाती है, लाख से भरा ना हो, लेकिन जब माँ बाप की सारा सर से उड़ जाता है दोस्तों ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों हम रात को लाइव आए थे, लेकिन लाइव में थे, लेकिन कब हमको नींद लगी हमको मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया था। आँख में ना हमेशा दर्द होता है हमारे, और कुछ तबीयत भी नहीं सही चल रहा था, लेकिन दवा ववा खाए हैं, सब सही है, और पहले से बहुत बेहतर है। पर दोस्तों पिताजी की टेंशन एकदम खाई जाती है। मतलब जैसे जानते हैं ना, लाख भाई हो काहे ना हो, लेकिन जब पिताजी का साथ छूट जाता है तो लगता है कि और जा, और बेटा, तो लगता है कोई नहीं है। तब आ जा बेटा, आ जा। एक पिता का सहारा था, वो भी टूट गया। क्या हुआ बेटा? सजा दोस्तों, हमारे यहाँ लाइट आ रही है, जा रही है। क्या हुआ? क्या हुआ मक्कू? सजा सजा सजा, नहीं नहीं सजा बेटा, सजा। ओ बिल्ली। तो दोस्तों अभी बाबू मेरा सो जाएगा, तभी जल के खाना पीना बनाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? तो समय दोस्तों, तो हम समय समय से वीडियो इस समय नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि समय नहीं मिल रहा है। जैसे ही हालात सब सही होगा दोस्तों, मैं आप लोग के बीच जैसे वीडियो डाल दी थी वैसे ही डालते रहेंगे, क्योंकि आप लोग खुद ही जान रहे हैं हम वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहे हैं। और दोस्तों आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार जैसे दे रहे थे, प्लीज़ उसे देते रहिए। आप लोग खुद ही जानते हैं हम कितना मेहनत करते हैं, पर समय से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि दिक्कत परेशानी ऐसी हो गई है ना, समझ नहीं आता कि वीडियो क्या बनाए क्या डालें। जब दिमाग एक अस्थिर रहता है, स्थिर एक जगह, तो वही होता है ना कि जो चाहो वीडियो बना सकते हो। पर दोस्तों आप लोग जो कमेंट किए थे, हम उन लोग का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि समय नहीं मिलता है हमको जल्दी। लेकिन आप लोग अपना कमेंट डिलीट मत करना, क्योंकि हम आप लोग का देने ही वाले थे, कि आप लोग जाने ना, एक ही दो दिन के बाद ऐसा हमारे घर पे बात हो गया, और मतलब चले गए, फिर आए, फिर एक दिन मतलब भागा दौड़ी इसमें लगा ही रहे। आप लोग खुद ही जानते हैं कि जब ऐसा होता है घर पे तो माहौल क्या हो जाता है। तो दोस्तों पहले तो तबीयत एकदम, हम लोग तो अपने आप को संभाल लेते, लेकिन मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी जैसे पागल होती जा रही है, बहुत टेंशन हम लोग को हो गया है। वैसे पिताजी का, मेरी मम्मी वैसे भाई लोग के टेंशन में अपने दिमाग थुआ कर दी थी, लेकिन अब पिताजी चले गए। आजा आजा पची पीढ़ा दे। तो दोस्तों आप लोग अपना कमेंट डिलीट भी मत करिए, और जो सब्सक्राइब किए हैं और उसको डिलीट मत करिए,
और जो सब्सक्राइब किए हैं, जो करने वाले हैं, प्लीज़ आप लोग इसे सपोर्ट करते रहे जैसे कर रहे थे। तो दोस्तों अपना प्यार दुलार जैसे दे रहे तो ऐसे देते रहिए। मैं जैसे ही हालात सब सही होगा मैं आप लोग के बीच ऐसे वीडियो डालती रहती थी, उसे डालते ही रहेंगे। आप लोग खुद ही मेरी मजबूरी समझ रहे हैं, हम क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ऐसे बेटा, ऐसे जो बेटा, अभी दोस्तों अभी घर पे सब्जी अभी नहीं था ना, इसीलिए बैठे थे। अभी आएंगे सब्जी लेके तब जल्द चले जाएंगे बनाने, तो हम बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए बैठे थे यहाँ पर। मतलब पाक ताप रहे थे तो बोले आप लोग के पीछे वीडियो बना के डाल दी मैं, क्योंकि मैं आज की वीडियो नहीं बना पाई, आप लोग खुद ही जानते हैं। थोड़ा ले लो बैठ जा। तो दोस्तों ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप लोग ठंडी से बच के रहिए अपने। अगर आपके घर में अगर बुजुर्ग लोग हैं तो ठंडी पर आप लोग ध्यान करिए, क्योंकि मेरे पिताजी को ठंडी भी लग गई थी, क्योंकि रात को 9-10 बजे काम करके आते थे। जानते ही हालात बहुत बेकार, इसमें ठंडी इतना काफ़ी हो गया कि किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरे पिताजी का काम ही ऐसा था जो रात को 9:30-10 बज जाता था आते आते। और खुद एक बेटे लोग का टेंशन, एक तो ऊपर से घर का खर्चा, मान लीजिए मेरे पापा को सारी जिम्मेदारियाँ थी, कुछ तो मम्मी की टेंशन को खाई जाती थी, लेकिन अंदर सब टेंशन रखते थे मेरे पिताजी, लेकिन हम लोग को कभी कुछ नहीं बताते थे। वो अपने दुख सह लेते थे मेरे पिताजी, लेकिन हम लोग को अपने बच्चे को कभी नहीं बताते थे। तकलीफ तो यही हुई दोस्तों कि कभी मतलब इतना ज़्यादा अपने ऊपर खर्चा भी नहीं करवाए, और हम लोग पापा से मिल भी नहीं पाए दोस्तों, बहुत टेंशन हुआ। जब पापा मेरे ख़त्म हो गए तब हम लोग जाके देखे, लेकिन मेरे पापा एक हफ्ता से बीमार थे, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए। पापा से बात होती थी लेकिन हिम्मत करके बात करते थे, सोचते थे कि अगर बिटिया लोग को मालूम होगा तो शायद परेशान हो जाएंगी, इसलिए मेरे पापा हम लोग को बताते नहीं थे। लेकिन अचानक 2 दिन के अंदर, हफ्ता भर बीमार थे फिर बीच में सही थे, लेकिन अचानक 2 दिन में उनको क्या हुआ, अचानक उनकी मौत हो गई। वो भी सोचे नहीं थे कि हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन सब टेंशन हालात ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी, ऐसा उनका काम ही है कि जो रात को आते थे, इतनी ठंडी पड़ रही है ना दोस्तों, तो भी आप लोग खुद ही जान रहे हैं, हम क्या बताएं, आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि ठंडी कितनी है और हम लोग का माहौल क्या है, हमारे घर का हालात कैसा है। मेरे पिताजी कभी आराम नहीं मिला, न कभी खुशी मिली। जब खुशी लेने की बारी आई दोस्तों तो मेरे पिताजी ख़त्म हो गए। और मेरा भाई एक है छोटा, शादी करने के लिए गई, उनकी भी शादी सोचे थे कि यही 2-4 महीने में कर देते, लेकिन भाग्य साथ नहीं दिया दोस्तों। तो दोस्तों जो हम लोग के अंदर दुख या तकलीफ होती थी, हम लोग अपने पापा से ज़रूर कहते सुनते थे। मेरे पापा हमारे हर एक बात सुनते थे, मतलब उम्मीद थी कि हमारे पापा अभी हैं। जब पापा ख़त्म हो गए तो सब उम्मीद हम लोग की ख़त्म हो गई। तो चलिए दोस्तों, टाइम मजे को हो गया है, अब चल रहे हैं, पहले रोटी बना लेते हैं फिर सब्जी लेकर आएंगे तो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही दुकान है, वो भी बहुत दूर है, बच्चे जा नहीं सकते उस पार है, गाड़ी मोटर बहुत आ जा रहा है, इसीलिए बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। मालिक साहब आएंगे सब्जी लेकर आएंगे तो बनाएंगे दोस्तों, तब खाली थे इसीलिए आप लोग के बीच में वीडियो बना के डाल दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए, जैसे कर रहे तो ऐसे करते रहिए प्लीज़। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी हालात ऐसी कि मैं आप लोग के बीच में वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, आप लोग के बीच में वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, रात हो रही है, उस दिन तो बहुत रात हो गया था, 10:30 बजे माटा सान के रोटी बना, जिस दिन मेरे पापा का हालत बहुत ख़राब था, वही दूसरे दिन मेरे पापा ख़त्म हुए थे दोस्तों। बहुत घुटन हो रही थी, जैसे लग रहा था कहीं कुछ होने वाला है, पर 1-2 घंटे के बाद ऐसा सुनाई दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग को बाय बाय, आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। मेरे सब्सक्राइबर जितना है आप लोग अपना सब्सक्राइब डिलीट मत करिए, मत हटिए, आप लोग नया नया जुड़िए, आप लोग मेरा भी कुछ परेशानी समझिए दोस्तों। चलिए दोस्तों बाय बाय, आपको सबको
सबको गुड नाइट दोस्तों, मेरा बेटा।